नमस्कार गाइस, मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ड्स नहीं है मेरे पास आपका शुक्रिया करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए। आज कुछ ही दिनों में आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से आज आपका यह चैनल 100 सब्सक्राइबर पे पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह मनोबल बढ़ाते रहिए, प्यार देते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। चलिए, आज हम सीखेंगे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। कल हमने सीखा था स्क्वायर ऑफ नंबर विच एंड्स विद 5, जिनके पीछे 5 होता था यूनिट डिजिट्स पे, वो नंबर्स के लिए हमने आज कल हमने वीडियो बनाई थी। आज हम सीखेंगे फॉर एनी नंबर्स। पहले हम 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इजी वे फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और जो बच्चे जो हैं वो बैंक क्लरिकल, सी टेट, पी टेट, एच पी टेट और किसी भी स्टेट के कोई भी एग्जाम्स क्लिक करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट, और मैथ्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लिक करने के लिए आपको टाइमिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स में अगर आपको टाइमिंग पे ध्यान देना है तो इसका मतलब है कि आपको शॉर्टकट्स यूज करने पड़ेंगे। इसलिए मैं शॉर्टकट्स पे वीडियोस बना रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी लगेगी। चलिए देखते हैं कैसे स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर्स, स्क्वायर ऑफ अ नंबर विद 2 डिजिट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग, जस्ट वॉच हियर। देखते हैं, देखिए 12 स्क्वायर, गाइस ध्यान से देखिए 12 स्क्वायर। वैसे सबको बताया 12 स्क्वायर इज हाउ मच, दैट इज 144, लेकिन शॉर्ट मेथड से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है 12 का आएगा उसे और बड़े बड़े आपके पास जैसे 87 आएगा, 112 आएगा, 336, तो टाइम बहुत जल्दी लग जाता है। चेक करते हैं, प्रोसेस चेक करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास 2 डिजिट्स हैं, वन इज यूनिट डिजिट, वन इज टेंस प्लेस, तो आप क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों का आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे स्क्वेयर्स, 2 टू द 4 एंड 1 द 1। एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी हम 1 का स्क्वेयर करते हैं तो 1 आता है, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, 01 लिखेंगे। 2 का स्क्वेयर भी हम क्या करते हैं, 4 आता है तो 04 लिखेंगे। ध्यान रखना है आप लोगों कि 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 01 लिखेंगे, 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 04 लिखेंगे, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 09 लिखेंगे, और उसके बाद 4 का स्क्वेयर, दैट इज ऑब्वियसली इट इज 16, 2 डिजिट्स में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तीनों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1 का स्क्वेयर जब भी लिखेंगे तो 01, 2 का स्क्वेयर 04 एंड 3 का स्क्वेयर इज 09। कम टू द पॉइंट, 2 का स्क्वेयर 4, तो वी आर राइटिंग हियर 04 एंड 1 स्क्वेयर इज व्हाट, 1, अगेन रिपीटिंग, यूनिट डिजिट का अलग से निकालिए, टेंस डिजिट का अलग से स्क्वेयर निकालिए। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, मल्टीप्लाई दीज 2 डिजिट इटसेल्फ, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 1 टू द 2 एंड देन द रिजल्ट यू मल्टीप्लाइड विद दिस 2, 1 टू द 2 एंड 2 टू द 4, 4 यू हैव टू राइट हियर एंड देन ऐड इट। कहां पे लिखना है ये वाली मल्टीप्लीकेशन, कहां पे लिखनी है आप लोगों को, एक डिजिट छोड़ करके लिखनी है। इसे भी नोट डाउन करिए कि फर्स्ट स्टेप जो है वो यूनिट प्लेस का भी स्क्वेयर करेंगे, टेंस प्लेस का भी स्क्वेयर करेंगे। अगर 1 आता तो 01, 2 आता 2 का स्क्वेयर 04, 3 का स्क्वेयर 09, उसके बाद इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को इस 2 के साथ जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 टू द 2 एंड 2 टू द 4, और लिखेंगे कहां पे, एक डिजिट छोड़ करके लिखेंगे, पहले डिजिट के नीचे नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल ऐड 4 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज योर 144 इज द आंसर। दिस इज, दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, दिस इज योर 41 होल स्क्वायर, क्या करिए जल्दी से इसका स्क्वायर निकालिए, दैट इज 01, 11 द 1, 4 का दैट इज 16, मल्टीप्लाई दीज 2, 41 द 4 एंड रिजल्ट यू मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 टू द 8, एक डिजिट छोड़ करके आप लोग लिखेंगे, दिस इज योर व्हाट, 1681 इज द आंसर। वेरी इजी गाइस,
अगर आप इन टाइप के मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे, श्योरली आप कॉम्पिटिशन वाले जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें आप अच्छी तरह से क्लिक कर पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो जब भी आप शॉर्टकट यूज करोगे टाइम आपका बचेगा। देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जिसमें आपके पास कैरी वाला सिस्टम अगर बनता है तो वो देखते हैं कैसे होता है। लेट सपोज आई एम टेकिंग दिस 76 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, 36 77 दा 49, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7 सिक्स दा 42, 42 टू दा 84, 84 एक डिजिट छोड़ करके लिखेंगे, करिए 6 7 7 5, 5 7 7 6 इज द आंसर, वेरी इजी। टेक वन मोर एग्जांपल, लेट सपोज दिस इज योर 95 स्क्वायर, मल्टीप्लाई 5 एट द 25, 9 9 द 81, मल्टीप्लाई दीज टू, 95 द 45, 45 इनटू 2 दैट इज 90, एक डिजिट छोड़ करके लिखेंगे, दिस इज व्हाट 5 2 10, दिस इज योर 9025 इज द आंसर। प्रैक्टिस करिए दोस्तों, गाइस प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थ्री डिजिट पे आते हैं जल्दी से, थ्री डिजिट में थोड़ा सा आप लोगों को एक और स्टेप जो है वो याद करना है। क्या है वो स्टेप, चलो ये देखते हैं। थ्री डिजिट वाले नंबर्स करते हैं, टेक एनी नंबर, मैं लेता हूं 112 स्क्वायर। करना क्या है आपको, आपको इसको टू डिजिट्स में कन्वर्ट कर देना है। करना क्या, जो लास्ट के दो नंबर्स हैं इनको एक डिजिट मान लेना है, मतलब ये क्या बन गया, ये 1 है और ये 12 है। अब ये दो नंबर्स बन गए आपके पास, दो डिजिट्स आप लोगों के पास आ गए। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था टू डिजिट वाला, सेम टू सेम प्रोसेस यूज करेंगे यहां पे। बस इतना ध्यान रखना है, थ्री डिजिट वालों को हम टू डिजिट्स बना देंगे। टू डिजिट्स कैसे बनाएंगे, लास्ट के टू डिजिट्स जो है उनको कंबाइन कर देंगे। चलिए करिए वैसे ही सेम टू सेम, 1 1 द 1 एंड 12 का स्क्वायर दैट इज 144। और इतना एक और चीज याद रखेंगे कि हमेशा टू डिजिट्स ही लिखेंगे, रिजल्ट में टू डिजिट ही लिखेंगे। यहां पे थ्री डिजिट आ चुके हैं 144, तो हम 44 ही लेंगे, और जो 4 है दैट विल बी कैरी, उसको आगे लिखेंगे। 44 लिखिए, 44 हियर एंड 1 इज कैरी हियर, 1 इज व्हाट कैरी। नाउ करिए मल्टीप्लाई दोनों को, 1 and 12, 1 into 12 is 12, 12 to the what 24, write down here 24, two digits हैं तो उनको लिख सकते हैं। अगर three digits आते हैं तो one carry ले जाएंगे वहां से, एक digit को carry ले जाएंगे। Add करिए 4, 4, this 4 and this 1, 5, this is the answer, 1, 2, 5, 4 is the answer of this 112 square, very easy guys। और question करते हैं, 405 होल स्क्वायर। मैंने बोला सबसे पहले आप क्या करेंगे, लास्ट के टू डिजिट्स को आप कंबाइन कर देंगे, अब बच गया 4 एंड देन 5, 05 मींस 5, करिए मल्टीप्लाई, 5 एट द 25 एंड व्हाट 4 फॉर द 16, कोई कैरी नहीं है आप लोगों के पास, यहां पे आपके पास थोड़ा सा दूर लिखते हैं, दिस इज 16। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 है और 5 है, 4 5 द 20, 20 इनटू 2 दैट इज इक्वल टू 40, दिस इज द आंसर 164025। कैरी वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कैरी वाले क्वेश्चंस में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो कैरी वाला क्वेश्चन करते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं कैरी वाला। टेक लेट सपोज दिस इज 232 होल स्क्वायर, करिए मैंने बोला लास्ट के टू डिजिट्स को आप कंबाइन कर दीजिए, अब ये बन गया एक 2 है और एक 32 है, 2 का स्क्वायर इज हाउ मच 4, 32 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहले किया था 32 का स्क्वायर, 2 2 द 4, 3 3 द 9, मल्टीप्लाई करिए दोनों को, 3 2 द 6, 6 2 द 12, 12 आप लोग यहां पे लिख दोगे एक डिजिट छोड़ करके, टू डिजिट वाला सिस्टम अप्लाई कर रहा हूं, 4 2 0 1, यहां पे 4 डिजिट्स आ गए, मैंने बोला आपको सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं और बाकी के नंबर्स जो कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो आप 24 लिखोगे यहां पे, और 10 जो है दैट इज व्हाट दैट इज कैरी।
मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, 2 into 32 दैट इज 64 into 2 दैट इज 128, सिर्फ 228 लेंगे और 1 कुछ क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड, तो 28 यहां पे लिया, 1 इज कैरी फॉरवर्ड, ऐड देम, दिस इज 4 2 8 3 5 5 3 8 2 4 इज द आंसर, वेरी इजी गाइस। अदरवाइज अगर आप 232 को 232 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल टेक द टाइम। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये बहुत शॉर्ट्स है। जैसे जैसे आप नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है मल्टीप्लाई करने में, लेकिन अगर आपको शॉर्ट्स फॉर्मूलाज याद हैं, शॉर्ट्स मेथड अगर आपको आते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन योर कॉमेंट बुक्स, ऑल्सो यू आर हैविंग माई व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से कोई भी क्वेरी है आपकी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अच्छे से रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।